एक तो जब भी देखता हूँ कैमरे को ऐसे ऐसे फ्रंट कैमरा करके अपनी शक्ल देखता हूँ और ये देखने को मिलता है ये सारा जंगली वाला काम, बिल्कुल दिल ही नहीं करता रिकॉर्ड करने का यार। लेकिन रीजन है ये बाल मैंने क्यों छोड़े हुए ऐसे और ये दाढ़ी के बाल ऐसे क्यों बाहर निकले हुए। रीजन पहले ये कि बाल मुझे थोड़े लंबे रखने हैं, ग्रो करने हैं। हमेशा मुझे समझ नहीं आती कैसे ग्रो कर लेते हैं लोग, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मुझे पता है ये, इसलिए थोड़े लंबे रखे हैं। मुझे कॉम करना पड़ेगा, ठीक तरीके से बाल सेट करने पड़ेंगे, तब एक तरफ ग्रो होंगे, वरना ऐसे जंगली काम तो नहीं चलेगा। और दाढ़ी का रीजन ये कि यार बीच में देखो यहाँ पर कहीं किसी का दाढ़ी नहीं है मेरी, और ये कनेक्टेड नहीं, दैट्स ओके, आई लव इट, मुझे कनेक्टेड ऐसे भी नहीं चाहिए, प्रेफर्ड लाइक दैट। तो अगर मैं इसे थोड़ा ट्रिम कर दूं इट विल लुक लाइक थोड़े वियर्ड लगेगी। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि दाढ़ी को थोड़ा और ग्रो करने दें, लेट इट ग्रो अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ लेंथ, देखते हैं क्या होता है। नॉट श्योर, ट्राई कर रहा हूँ, दाढ़ी तो मैं रखूंगा पक्का, लाइक कुछ ना कुछ मुंह पे होना चाहिए, बट दैट मेक यू लुक लाइक अ मैन। क्या बोला तूने? अब मुझे पता है इसके बाद अगर तुम लोग देख रहे हो बोलोगे थोड़ी से मैं नहीं बोलता था। चुप, शट अप, कंट्रोल। दाढ़ी है तो मर्द हो, दाढ़ी नहीं है तो मर्द नहीं हो, अनलेस मेडिकल कंडीशन या फिर तुम ग्रो नहीं कर सकते, कोई रीजन है जो स्पेसिफिकली तुम्हें दाढ़ी ग्रो करने से मना कर रही है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इफ यू कैन और तुम नहीं ग्रो कर रहे तो मर्द नहीं हो, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो आज का जो व्लॉग है काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजे का होने वाला है, क्योंकि मैं फाइनली अपना कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ, कुछ अपना कर रहा हूँ, जो मैं इतने टाइम से सोच रहा हूँ कि यार कुछ साइड हसल करना चाहिए, कुछ साइड पे कुछ मनी मेक करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो फाइनली आई एम डूइंग दैट, एंड टुडे इज माय फर्स्ट डे। आर यू कॉमेडिंग मी? फर्स्ट डे मतलब कि यार ये नहीं कि पहला दिन मैं कर रहा हूँ ये, but I've been trying to planning and I finally found my first client approximately a month ago. आज वो चीज का पहला दिन है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज दिखानी है, मैं जहां का आ रहा हूं सबसे पहले तो यार ये जो ये ओके अंधेरा हो गया, now check this out. Oh my god, wow, वहां से वो पता नहीं क्या हो गया, उसको फिक्स करना पड़ेगा, but this thing अल्हम्दुलिल्लाह। यार मेरे रूम में वैसे भी काफी अंधेरा होता है, एक ये जो ऊपर ये लाइट है ये और मुझे अच्छी नहीं लगती यार, डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, कि तो कनाडा में हो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो, वेदर ऐसी विंटर है, कोल्ड है, आई लव विंटर, आई लव कोल्ड, आई लव स्नो, लेकिन फिर भी यू फील डिप्रेस्ड, उसके बाद डार्क है, यू फील डिप्रेस्ड ऑल्सो, फिर तुम बेसमेंट में रहे हो ऑल डिप्रेशन, और उसके बाद अकेले रह रहे हो उससे डिप्रेशन, और ऊपर से ये लाइट डिप्रेशन ही डिप्रेशन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना कम से कम जो मेरे हाथ में मेरे कंट्रोल में ये लाइट, इसका कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये लाइट अल्टरनेटिवली ये दिख रही है, ये मैंने ऑनलाइन से बाय की है कुछ दिन पहले ही आई है, फाइनली आई मेक इट, मुझे नहीं पता ये चाहना सी यहाँ से ऐसे कैसे कर गया, मुझे स्टिक करना पड़ेगा ये, तो ये चीज ये मेरे मूड का फ्रेश कर देती है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। काफी लेट हो रहे हैं, सो आई नीड टू गेट रेडी, गेट शावर, उसके बाद तैयार होना है, मैं नहीं चाहता कि पहला ही क्लाइंट जो मेरा है ना भाई वो ही भाग जाए, पहले ही फ्लॉप हो जाए काम शुरू करने से पहले, तो जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और मैं आपको सीधा बाहर मिलूंगा अपनी गाड़ी पे। तुम लोगों को सच्ची में क्या लगा मेरे पास गाड़ी है? देखो मेरी गाड़ी ये रही। मैंने न्यू फोन होल्डर लिया है, सो दिस इज रियली गुड, अब मुझे पीछे की तरफ होकर बैठने की जरूरत नहीं है, कैन इजीली पुट द फोन ओवर हियर और रिकॉर्ड आगे भी कर सकते हैं और खुद को भी। सो ऑलरेडी वन मेरी मीटिंग है, लाइक मेरा काम मीटिंग तो नहीं है, मीटिंग ही कह सकते हो, वैसे इस वर्ड को बोलते हैं क्या यार, एक तो होती है मीटिंग जब मिलते हो डिस्कस करते हो, बट जब काम कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, यू गाइस नो, मुझे बता देना, मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिलहाल के लिए इसे कहते हैं काम करना, तो 2 PM तो हमारे पास 1 घंटा है, 15-20 मिनट का ड्राइव है यहाँ से, ड्राइव साइकिल, चलो यार चलते हैं। आज मौसम बहुत प्यारा है, इतना प्यारा है कि मतलब लिटरली आपको पीछे ब्लू स्काई दिख रहा है, क्लियर, देयर इज नो विंड, नो क्लाउड, कुछ भी नहीं, धूप निकली ऊपर से, कि कुछ वक्त के लिए मुझे लग ही नहीं रहा कि भाई मैं कनाडा में हूँ, मुझे ये फील हो रहा है कि मैं कहीं हांगकांग या पाकिस्तान तो नहीं आ गया, और गर्मियाँ चल रही हैं, धूप भी बहुत वार्म है यार, इसलिए तो मैं देखो टोपी शोपी जैकेट सैकेट कुछ भी नहीं है, नीचे एक बस गर्म लेयर है, ऊपर हुडी, एंड यू आर ऑफ टू गो, और काफ़ी लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं एज यूजुअल, नेबर्स बातें कर रहे हैं जो कि मुझे देख के बहुत वियर्ड लग रहा है, और मैं पागलों की तरह सबको हाई कर रहा हूँ, मुझे भी लत लग गई इस चीज़ की कि जिसे देखो उसे अरे हाई कर दो, स्माइल करो, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग पिछले एक महीने से जो भी रास्ते में मिलते हैं स्माइल करते हैं ऐसे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने लोग नहीं होते, लाइक मैं नहीं बोलना चाहता आगे, समझ जाओ खुद ही। मरना है क्या? मरना है तेरे को? डर नहीं लगता? तो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, यू कैन से लाइक अ फ्रीलांस थिंग, एक सर्विस सी है, मैंने काफी टाइम से प्लान कर रहा था, इट्स बेसिकली लाइक टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस अराउंड मी, उनका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाना, उनके लिए वीडियो क्रिएट करना, रील्स कॉन्टेंट, और इवन मैनेज देयर सोशल मीडिया, क्योंकि मैं इस चीज में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक हूँ, एडिटिंग शेडिटिंग एंड एवरीथिंग, क्रिएटिविटी के हिसाब से देखते हैं कैसे जाता है, स्लोली आई थिंक एक बड़ी चीज़ बन सकती है, एंड प्रॉब्ली इन द फ्यूचर हम लोग काफ़ी टॉप तक जाएंगे इंशाल्लाह, बट अभी के सोचते हैं यार, अभी के जो भी कर रहे हैं वो सोचते हैं, फ्यूचर का किसको पता अलग है रहा, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और चलो
हाँ तो मैं गया हूँ और थोड़ा जल्दी यहाँ से आके जाएंगे तो उनका ऑफिस आ जाएगा। आई थिंक वी स्टिल गॉट लाइक अराउंड 35 मिनट्स लेफ्ट, आधा घंटा है। तो मैंने कहा यार से जल्दी जाते नहीं है, मैंने बुलाया कि मैं बहुत ईगर हूँ काम करने के लिए, विच आई एम, यू नो, जब अपना काम अच्छे को शुरू करो एंड यू आर स्टार्टिंग टू गेट द फर्स्ट स्टेप इन द फर्स्ट क्लाइंट, यू आर रियली ईगर टू, यार मैंने कुछ भी करके पहले जो क्लाइंट है वो हासिल करना है। सो या बट थोड़ा सा सब्र करते हैं, स्लोली स्लोली हम भी प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे यार। One eternity later. तो ट्विस्ट आ गया पूरा इसमें, ट्विस्ट आ गया, इट्स नॉट अ बैड ट्विस्ट, अच्छा ट्विस्ट है, बट समथिंग हैपेंड। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। सो लेट मी टेल यू गाइस, बात के बाद ये कि बेसिकली मैं इधर आया हूं, आई टॉक विद the main person over here, he was like, today I'm the only person in office because Saturday the thing I wanted to shoot and make everything for them on social media, the content ke staff hona chahiye, but bande the nahi yaar Saturday, so with his schedule. To bhai baat ye hai ki ye reason hai journey puri apni jo hoti hai na aap logo ko karne ka, abhi dekh liya aise hota hai ki abhi aap log kuch aao, kuch aap log record karna chahe when you want to do something, kisi na kisi wajah se wo aap kar nahi sakte, so you have to postpone. तो ये पहले चीज़ मैं सीख रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत फ्लो के साथ जाना चाहिए प्रोफेशनल तरीके से, व्हेन यू आर स्टार्टिंग इट अप यू हैव टू सी द सिचुएशन एंड हमेशा हर चीज़ पे ना नहीं करनी चाहिए। सो दे वांटेड टू रीस्केड्यूल एंड आई सेड ओके रीस्केड्यूल करते हैं, कोई बात नहीं। बट इसके अंदर से भी एक अच्छी चीज़ निकल आई, बेसिकली मुझे एडवांस मिल गया है विच ओके मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग काम के साथ मिलेगा एडवांस, लेकिन एडवांस मैंने ले लिया, दे सेड लाइक ओके वी गोना पे यू एडवांस सो दैट इट कैन बी शॉर्ट, मैंने कहा ठीक है पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट बेसिकली मुझे कुछ टूल्स लेने हैं, हथौड़ा और एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, क्योंकि मेरे घर का जो बेड है उसकी हालत कुछ खराब हुई हुई है, नीचे जो उसके वुडन स्टिक्स हैं वो हिल जाती हैं, इट्स ऑलवेज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, और मैं एक दो बार गिर भी चुका हूँ। ये क्या बात करता है यार, हालात ऐसे हो गए कि अभी मुझे उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो स्टडी शॉर्ट, अभी जाएंगे हम लोग एक सुपर स्टोर, एक नॉट सो फेमस बट रियली गुड प्रीमियर स्टोर फॉर ये घर के काम शाम के लिए सब कुछ, वहां पर तुम्हें हर चीज मिल जाती है। ये देखो ये रोना प्लस, इसका नाम रोना प्लस क्यों है अंदर जाते हैं पता चल जाएगा, चीजें बहुत एक्सपेंसिव है, इतनी भी नहीं लेकिन सारी जरूरी चीजें मिल जाती है यहाँ से, लाइक जो भी तुम्हें घर का काम सारा करवाना है ना कंस्ट्रक्शन वाइज सब कुछ मिलेगा, सीमेंट कॉन्क्रीट जो भी है, वुड शुड स्क्रू ड्राइवर बारबेक्यू पिट जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन लेने के बाद फिर भाई रोना है वही प्लस। अपने घर जाना है। लिटरली यहाँ से हर एक चीज़ मिल जानी है, देखो मैंने हैमर भी ले लिया, छोटा सा तो चीप था ये और छोटा था लेकिन क्वालिटी अच्छी, मुझे ना बड़ा चाहिए भी नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर तुम बेसिकली करो, तुम किसी को मेटल शेल्टर कर दो ना फंक्शन कर दो, तुम्हें यहाँ पर सारा सामान मिल जाना है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, रब से काटना कान दफनाना है क्या, सब कुछ सील करना, सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ, जानते कि यार वहाँ पर फ्रिज वॉशरूम की चीज़ें भी लगी हुई, पूरा घर बनाने के लिए तुम यहाँ के ले सकते हो। वो चीज़ें ले ली हैं, वो हैमर को भी देख कहती है क्यों लिटल हैमर, तो काफ़ी छोटा हैमर है वैसे, मतलब थोड़ा काफ़ी छोटा है बट मुझे चाहिए नहीं इतना बड़ा, वो मेरा काम निकाल लेगा, जो मुझे चेयर फ्यूचर में जरूरत पड़ा तो वो भी ठीक है, इट्स गुड इनफ। मैंने कौन सा बंदा कहता है घर बनाने हैं इधर, आई मीन आर्किटेक्ट हूँ लेकिन उन सेंस में नहीं नहीं यार। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आई एम बैक, तो सिचुएशन ये है, ये ना बैड, ये देखो ये जो स्टिक्स दिख रही है ना ये वाली, ये मूव होती है, देखो ये मूव करती है। सो मैं जब भी रात के टाइम पे कभी इस साइड कभी उस साइड होता हूँ, जो कि मेरी आदत है बार बार साइड चेंज करने की, ये आवाज करती है। सेकंडली ये भी हुआ है कि बीच में से गिर गई थी एंड आई फॉल डाउन। अभी सिचुएशन ये है कि अभी ये काम पहले करना है, वो करते हैं टाइम लैप्स। रुको जरा, तभी आप लोग ये सोच रहे हो कि अभी घर पे था और टाइम लैप्स के बारे में था, लेकिन मैं अचानक से ये भी साइकिल की आवाज़ से कर रहा हूँ। तो रीज़न ये कि मैंने कहा यार टाइम लैप्स मैंने शुरू किया और जब मैंने ट्राई किया स्क्रू ड्राइवर और नट्स के साथ, बेसिकली ये हुआ कि उसका साइज थोड़ा बड़ा निकला। भाई कहा यार फायदे तो नहीं, मैं इसको कैसे भी गुस्सा में चलेगा नहीं होगा, मैंने जाकर रिसीट देखी है, देयर इज लाइक 90 डेज रिटर्न की पॉलिसी है, फिर लाइक ओरिजिनल पैकेजिंग। तो चलते हैं, पास में ही है यहाँ से, 5-6 मिनट की भी राइड नहीं है साइकिल की। 2000 years later. लेके निकल चुका हूँ। ज्यादा आप लोगों ने देखा अंदर फायदा नहीं था, मैंने कहा जल्दी जाता हूँ। थैंक यू अंदर एक स्टाफ था, उससे मैंने बात की, मैंने कहा मेरे पास बेसिकली ये वाले पेच हैं, ठीक है तो मुझे स्क्रू ड्राइवर जो चाहिए वो उसके हिसाब से कौन सा लेना चाहिए। उसने मुझे बताया कि मैंने एक साइज बड़ा ले लिया है, सो उसने एक्सचेंज करके दे दिया। अभी चलते हैं सीधे जाके घर दिखाऊंगा टाइम लैप्स यार। Allah will give you the strength. Allah is closer than you think he is. Don't give up no matter what. Because ultimately, life is full of challenges. ये एक साइड मैंने फिक्स कर ली है,
सारी, और ये वाला जो है ना ये यहाँ पर ये देख लो, ये थोड़ा सा रह गया सर, इससे भी करूंगा एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस साइड। और दूसरी साइड जो है आई डोंट थिंक मैं आज करूंगा, बिकॉज अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, बट मगरिब की नमाज पढ़नी है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अपनी चीजें सेट करनी है, आपस रखनी है एंड वो करूंगा, बट थोड़ा थोड़ा आराम से लाइक कल को थोड़ा कर लूंगा एंड ऑल ऑफ दैट। दैट बीइंग सैड आज का व्लॉग बस इधर ही खत्म करना है। मैं आपको दिखाने वाला था बिहाइंड द सीन्स ऑफ माय फर्स्ट एवर स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, स्टार्टिंग ऑफ माय सर्विस, आई डोंट नो स्टार्टअप बोल रही क्या, बोलो अभी तक कंफ्यूज उसे। ओके तो बहुत हो गया, दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग एंड इफ यू गाइस लाइक इट और पसंद कर रहे हो मेरा कॉन्टेंट, अच्छा लग रहा है व्लॉग, अच्छा लग रहा है एंड तक देखा है, थैंक यू सो मच, जाकल्ला एंड जस्ट सब्सक्राइब कर दो, बाकी वीडियोज भी देखो काफ़ी अच्छी हैं एंड गो एंड वॉच देम, कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं एंड कुछ व्लॉग्स हैं एंड कुछ जस्ट सिटिंग डाउन देयर टॉकिंग अबाउट समथिंग। सो शो सम लव इफ यू गाइस लव द कॉन्टेंट और मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।